Hello everyone, welcome back to our channel. I hope all are doing good. तो देखिए, जब से नेशनल डे गया है तब से निकाला नहीं इन लोगों ने फ्लैग. अभी तो न्यू ईयर तक तो रहेगा फ्लैग. देखिए चारों तरफ है फ्लैग, सिर्फ फ्लैग्स ही फ्लैग हैं और बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा है ना. तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपने लिए जूते देखने के लिए, क्योंकि अभी जुम्बा जा रहे हो ना, तो वो पुराना वाला शूज़ बहुत ही ख़राब हो गया था, तो इसीलिए नया वाला लेने आई हूँ. देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है. मुझे तो इसके बाद वाला ही अच्छा लग रहा था, ये वाला, लेकिन ये थोड़ा बड़ा आ रहा था और वाइट भी था तो जल्दी ख़राब हो जाता है. तो उसके बाद ये सबसे अच्छा था और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला. देन और एक है बहुत अच्छा लगा, वो है ये. ये पूरा बेस्ट था मेरे लिए, बट प्राइस 63 VD था, तो बहुत ही मुझे ज़्यादा लगा, तो मैं लिया नहीं. मैंने ये वाला राज के पापा को बहुत अच्छा लग रहा था, बोल रहे थे मुझे लेने के लिए. एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. इसका डिजाइन देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर इसका साइज़ बहुत बड़ा था, मेरे साइज़ का था ही नहीं. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ना पैंट्स मिल रहे थे. मुझे एक पैर वाला चाहिए था विंटर के लिए, तो वो ढूंढ रही थी. पर यहाँ प्राइस बुक बहुत ही हाई रहती है, मतलब 10 VD के नीचे तो कुछ मिलता ही नहीं. जैसे कि 11 VD, 12 VD, 13 VD, 14 VD ऐसे ऐसे मिल रहे थे. एक एक सूट और एक एक जैकेट या ड्रेस ऐसे दाम थे बहुत ही, इसीलिए और कुछ पसंद भी नहीं आया और मुझे कुछ जोड़ीदार मिला ही नहीं, इसीलिए मैं लाई ही नहीं, बस देख के ही आ गए यहाँ से. तो फाइनली मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, मेरे जुम्बा के लिए ये लाई हूँ. ये एडिडास का है. और एक भी मुझे अच्छा लगा ये वाला, ये नाइकी का है और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैं ये भी लेके आई हूँ. देखिए इसका नीचे वाला मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा था. और ये राज के पापा का, राज के पापा जो बोल रहे थे मुझे लेने के लिए ना, वो सेम उनके लिए लाए हैं, उनको बहुत ही पसंद आया तो वो उनके लिए लाए हैं. देखिए ये वाला. तो शॉपिंग करने के बाद हमें बहुत भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ी खाना खाई. उसके बाद हम गए थोड़ा एवेन्यू गए थे पिक्चर देखने के लिए. अभी अवतार 2 रिलीज़ हो गया ना, तो अवतार मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए अवतार 2 देखने चले गए थे हम. कुछ भी वीडियो मैंने नहीं डाला है, क्योंकि आप खुद जाइए देखिए, बहुत अच्छा लगेगा. और वो भी 3D में है ना, वो पिक्चर में अच्छा आ ही नहीं रहा मोबाइल में, तो मैंने वो खींचा ही नहीं वीडियो. हेलो गाइस, आज है नेक्स्ट डे. तो सुबह सुबह राज उठ के स्कूल चला गया है और मैं थोड़ी चली गई थी अपनी जुम्बा क्लास, और रिद्धि यहाँ बैठ के टीवी देख रही है. हमारे कुछ दोस्त आने वाले थे,
इसलिए मैं जल्दी जल्दी किचन में चले गई खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ी दाल बनाऊंगी और बड़े वाले जो चने आते हैं उसके साथ पनीर बनाऊंगी और सोचा है थोड़ा बैंगन को फ्राई कर लूँगी और थोड़ी भजिया बनाऊंगी। और एक हम उड़ीसा में बनाते हैं ना टमाटर का क्या बोलते हैं उसको, खट्टा बोलते हैं, जो खजूर डाल के बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं बना लूँगी। अभी मैं दाल बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मसूर की दाल बना रही हूँ जो छिलके के साथ आता है वो वाला। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सरसों का तेल ले लिया था, उसके बाद मैंने 3 या 4 मैंने मिर्च डाली है उसमें, सूखी वाली मिर्च, देन जीरा डाला है थोड़ी, उसके बाद प्याज को अच्छे से भून लिया है, देन मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है वो जब अच्छे से पक गया तो उसमें मैं हल्दी और थोड़ी सी बस रेड चिल्ली का पाउडर वो डाल दूँगी, देन हो जाएगा हमारा मसाला रेडी। नीचे से लग रहा था बहुत, तो इसीलिए मैंने थोड़ी पानी डाली है ताकि मसाला जल ना जाए। अभी थोड़ी मैंने गरम मसाला डाली है, देन उसके बाद दाल को डाल देंगे इसमें। और आपको थोड़ी पानी चाहिए, ज़रूर पानी चाहिए होगी क्योंकि बहुत ही ग्रेवी था ना, तो आप पानी थोड़ा दे सकते हैं। और बन गई हमारी दाल, ऊपर से बस थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो दाल फ्राई या कुछ भी आप दाल बना रहे हैं तो आप उसमें ज़रूर बटर डालिए, बटर से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे ना जो हम टमाटर का खट्टा खाते हैं वो बहुत टेस्टी होता है, तो वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी ऑयल में मिर्ची डाली है, सूखी वाली मिर्ची, देन 5 फ़ोरन डाला है, उसके बाद मैंने कटिंग करके रखी थी टमाटर वो डाली है, देन उसके ऊपर थोड़ी नमक हल्दी और थोड़े चिल्ली पाउडर वो डाल के ढक्कन दे दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। लास्ट में मैंने बस थोड़ी सी चीनी और खजूर ऐड किया है और कुछ भी नहीं, बस बन के रेडी हो गया है वो। अभी मैं पनीर के लिए तैयार कर रही हूँ सारे मसाले। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी ऑयल ले लिया है, उसमें खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने प्याज डाल लिया है और प्याज अच्छे से फ्राई कर लूँगी, देन मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े टमाटर। टमाटर मैंने आधी ही यूज़ की है क्योंकि वो थोड़ी कच्ची थी तो वो खट्टी भी लग सकती थी, तो इसीलिए मैंने आधी ही यूज़ किया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी की पाउडर और चिल्ली पाउडर, और मैंने धनिया का पाउडर यूज़ किया है, वो सब डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे हम। जब भी मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इसमें काजू तो डालती ही डालती हूँ, मतलब पेस्ट बना के। तो मैंने 7-8 काजू को ना अच्छे से भिगो लिया था, देन उसके बाद उसको पेस्ट बना लिया है। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तभी हम वो डाल देंगे।
मसाले अभी ना बहुत ही हार्ड हो गए हैं, तो मैंने थोड़ी पानी का यूज़ किया है ताकि सॉफ्ट हो जाए, और नीचे भी थोड़ा लग रहा है तो इसीलिए मैंने पानी का यूज़ किया है। उसके बाद ना हम थोड़ा इसमें गरम मसाला डाल देंगे, और मैं नमक भूल गई थी डालने के लिए, वो मैंने टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये तो नमक डाला ही नहीं मैंने, तो मसाले में ही डाल दिया मैंने नमक। फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमने आलू को फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। अभी हम पनीर डाल देंगे और जो बड़े वाले चने हैं वो भी साथ में डाल देंगे। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है, जितना भी आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप पानी डालिए। ऊपर से धनिया का पत्ता डाल देंगे एंड थोड़ी गर्म मसाला डाल देंगे। अभी मैं बना रही हूँ गोभी और आलू की भजिया बना रही हूँ। ये वाली माही को बहुत ही पसंद आती है, तो गोभी ख़त्म हो गया था तो मैंने परसों के हाथ से मंगवाया कि गोभी लेके आना, परसों माही को बहुत पसंद है तो ये वाला स्पेशल माही के लिए। तो सब कुछ हमारा खाना रेडी हो गया था, चावल भी दूसरी तरफ मैंने बना लिया था और कुछ बैंगन को फ्राई कर लिए थे और वो खट्टा बनाया था और दाल भी बनाया था। तो खाना खाने के बाद हम थोड़ी रेस्ट लेके चले गए थे अल्बा क्लब, क्योंकि माही को बॉलिंग खेली थी तो हमने बहुत ही इंजॉय किया। तेरी मम्मी की बस चले तो डायरेक्ट वही बॉल पे मारे। बॉलिंग हमारी अभी खत्म हो चुकी है, अभी अल्बा भांगी देंगे जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रही थी ना आरू का बर्थडे था तो राखी को कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे भी कुछ वो सेट देखने थे विंटर के लिए, तो हम दोनों चले गए शॉपिंग पर। मैं जो सेट की बात कर रही थी वो ये वाले सेट से हैं विंटर के लिए, एक जैसे सूट और ड्रेस दोनों आते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं फिर भी कहीं और मुझे चेक करना था तो मैंने नहीं लिया। फिर साइड में ना छोटे छोटे ड्रेस बहुत ही क्यूट लग रहे थे, ये वाले सारे ड्रेस बहुत ही क्यूट थे और बहुत ही सुंदर थे, तो माही के लिए थोड़ा राखी देख रही थी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस थी यहाँ पे। तो वीडियो को मैं यही पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो कल आरू का बर्थडे है तो आरू के बर्थडे में ही मिलते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।
मामू पढ़े भी मामा।